जो शिष्य है यमुना के, वो प्रार्थना करते, हमें भी सीखा प्रार्थना करने के लिए, बराबर है पास्टर जी, बराबर है, हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। और यीशु ने कहा, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र, हालेलुया। वैसे ही अभी ये क्या हुआ, यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, जोर से बोलिए, प्रार्थना करना। अभी आगे 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 गया, वहां पे एक सामरी मिली, सामरी बहन मिली, और वो सामरी इंसान घमंडी रहता है, यीशु मसीह को सिखा रही है। हमारे जो पूर्वज हैं वो पहाड़ पे जाके आराधना करते हैं, जिसने आराधना को बनाया उसको आराधना करना सिखा रही है। कभी कभी हमारे जीवन में होता है ना ऐसा, क्या हम बहुत गड़बड़ी से किसी को सुनाते हैं। उस वक्त यीशु मसीह ने क्या कहा उसको, ऐसे दिन आने वाले हैं या आ गए हैं, पिता की आराधना कैसे करेंगे, जोर से बोलिए, आत्मा ने व खरे बनाए, सच्चाई से आत्मा से आराधना करेंगे। यहां पे क्या हुआ, आराधना कैसे करते हैं यीशु मसीह ने सिखाया, बराबर है, बराबर है, यीशु मसीह ने यहां पर क्या सिखाया, आराधना कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, हालेलुया। हमें बाइबल, जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभु के साथ संगति कैसे करें। आपको एक ही मैं बताता हूं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, अगर आपके पास नया नियम नहीं है, आप पास्टर जी से बोलिए कि पास्टर जी मुझे बाइबल दीजिए, पास्टर जी मुझे वचन दीजिए, क्योंकि इस बाइबल में हमारा जीवन छिपा है, इस बाइबल में हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतना ही कहता हूं, यहां पर कितने लोगों के पास बाइबल है वो हाथ ऊपर करें। गुड, बहुत लोगों के पास है। अगर जिनके पास नहीं है तो वो पास्टर जी से मांगे और वो आपको देंगे। अच्छा, अब बाइबल तो बहुत लोगों के पास है, अब वो हाथ उठा है कि मैं रोज बाइबल को खाता हूं और पीता हूं, खाता हूं और पीता हूं बोला मैंने, हाँ मतलब पढ़ने से भी ज्यादा, पढ़ने से भी ज्यादा, मतलब इतना मैं प्यार करता हूं, उसके बिना मेरा दिन शुरुआत नहीं होता, उसके बिना मैं सोता नहीं, उसके बिना कुछ भी मेरे जीवन में नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो वचनों से प्यार करते, 1 2 3 4 5 हालेलुया। मैं इतना ही कहता हूं, आज के बाद यहाँ पे कोई सेवक आएगा और उसने अगर ये प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, तो मैं चाहता हूं हमारे बच्चों से लेकर वहां तक हर एक का हाथ खड़ा होना चाहिए। अगली बार जब कोई यहाँ पर आएगा, समझ रहे हो, क्या पता यहाँ पे आने वाले हर कोई सच्चा बता के जाए, बाइबल में क्या बताया है, इन अंतिम समय में झूठे लोग आ रहे हैं। आज YouTube पर झूठे लोग, YouTube में कितने जो वचन मिक्स करके बताने वाले लोग हैं। आप जो भी देखते हो, आप पास्टर जी से पूछिए, मैं किसको सुनूं, किसको नहीं, सच बात बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो हमारा रास्ता चेंज हो जाएगा। शैतान वही चाहता है कि बर्बादी, नाश। शैतान काय करेगा, घात पाप आदि नाश करेगा, और यीशु काय करेगा, जीवन शांति आनंद देने से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जोरदार ताली बजाएंगे। आप जानते हो पुराने नियम में, अब यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने पुराना नियम भी पढ़ा है उत्पत्ति पासून। हालेलुया, खूब छान गोष्ट है, बाइबल वाचन आपने पाहिजे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता हूं कि
कि पुराने नियम में मेरे भाई और मेरे बहनों कि जब जब भी प्रॉब्लम था, कठिन परिस्थिति आती थी, किसी राजा के ऊपर कोई राजा उसको मारने के लिए आता था, उसका राज्य छीनने के लिए आता था, तो परमेश्वर के दास परमेश्वर भेज देता था और उनके साथ बात करता था, और परमेश्वर के दास उनको कहते थे कि डर मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, आप जानते हो कि जब जब भी कठिन परिस्थिति आ गई तब परमेश्वर अपने दासों को भेज देते थे और उस वक्त में बात करते थे। हालेलुया। अभी एक बात हो गई है इस वक्त के लिए, समय के लिए। मुझे बताइए, अभी भी डरावना वातावरण है कि नहीं? हमारे आजू बाजू में डरावना वातावरण है कि नहीं, बोलो? है ना। बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है चारों ओर। कोई प्रार्थना करता है तो प्रार्थना क्यों करता है? सताओ आ रहा है ना। अच्छा, ऐसे ही सताव पहले भी थे कि नहीं? तो पुराना नियम जिन्होंने पढ़ा है, वहां पे जब सताव होता था तो उनको बचाने के लिए कौन आता था? हाँ, जोर से बोलिए, कहाँ आया? एक बात बताओ कोई तो। हाँ, उसने कैसे कैसे बचाया आपको पता है? आज लोगों का थिंकिंग, लोगों की सोच आज क्या हो गई है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए? आज क्यों लोग सताव में जी रहे हैं, क्यों लोग टेंशन में, बीमारी में है, क्यों लोग डर के मारे, पता है? आज परमेश्वर की ताकत को लोग भूल गए हैं। ये सच बात बता रहा हूं मैं। वो परमेश्वर को भूल गए हैं जिस परमेश्वर ने समंदर को क्या किया था? जिस परमेश्वर ने, पता, अपने आंखों के सामने अपने समंदर को देखा होगा टीवी में या सामने, आप देखिए कैसे वो हालात होंगे। पीछे कौन है मारने के लिए? फारो। आगे क्या है? समंदर। और बीच में कौन फंसे हैं? इज़राइल के लोग। अभी हुआ क्या, इज़राइल लोग क्या कह रहे हैं कि यहां मारने के लिए हमें लेके आया क्या? किसको बोल रहे हैं? समझ रहे हो आप? मतलब अविश्वास, अविश्वास बराबर है डर। इतने चमत्कार परमेश्वर ने किए थे पर समंदर को देखकर डर गए। वो ये भूल गए ये समंदर को बनाने वाला परमेश्वर उनके साथ चल रहा है। आज भी यही बात हो रही है। आज भी थोड़ा सा संकट आ जाता है, हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है। थोड़ा दुष्ट आत्मा के सताने की कोशिश करता है तो डर के मारे, परमेश्वर से डरना चाहिए तो दुष्ट आत्मा से डरने लगते हैं। अभी आपने देखा जो नाटक चल रहा था दुष्ट आत्माओं का, शायद आप डरे होंगे। हम नहीं डरते क्योंकि हमें पता है वो परमेश्वर अग्नि भस्म करने वाले अग्नि के सामने इस दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती है, हम जानते हैं। हालेलुया। क्या आपको भी जानना जरूरी है? इसलिए प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति ये इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने मुझे दिया, ये प्रकाशन दिया, और परमेश्वर ने कहा जा, हर एक कलीसिया में जा, हर एक मीटिंग में, हर एक दुनिया के कोने में जाके लोगों को आत्मिक जागृति कर लोगों की। ये प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति, नाम ही देखो कैसा है, प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति, मराठी में देव भक्ति स्फोटक शक्ति। मना आप बोलोगे ये स्फोटक अद्भुत क्या है? अद्भुत और स्फोटक एक ही है, यीशु है। क्योंकि
आज हमें बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध किसके साथ है आज? हर जो हड्डी मांस के साथ हमारा युद्ध है क्या? नहीं। पर आज दुनिया में लोग झगड़ रहे कि नहीं एक दूसरे के साथ? कोई जात के लिए झगड़ रहा है, किस किस के लिए लोग झगड़ रहे। पर ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये करने वाला शैतान और दुष्ट आत्मा है जो भाई को भाई से झगड़ा करवा रहा है। आज क्या चल रहा है टीवी पर देखो, अखबार पे देखो, आज क्या चल रहा है मेरे भाई और मेरे बहनों? आज जगह जगह पे बंदूकें चल रही है, तलवारें चल रही है। सही बात है ना? ये करवाने वाला कौन है? मेरे भाई और मेरे बहनों, आप प्रभु के लोग हो, जब उसकी भक्ति करोगे और भक्ति में जब उसकी अद्भुत शक्ति उतर के आएगी, ये हालात परमेश्वर बदल सकता है। पर आज की स्थिति यह है कि परमेश्वर के लोग ही डर के मारे चुप बैठे हैं। सच बात है ना? परमेश्वर के लोग ही डर के मारे चुप बैठे हैं, इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कहता है ऐसा कौन है जो मेरे लिए खड़ा हो जाए दुआ करने के लिए, जो मेरे पास मांगे। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आपको पता है देव भक्ति स्फोटक शक्ति, प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति। जब एक भक्त परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, तब परमेश्वर उसके अंदर उसके सामर्थ को भेज देता है। और जब वो खड़ा होकर अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए जब दुआ करता है, तो शैतान के राज्य में स्फोट हो जाता है। जैसे आज आपने देखा वैसे शैतान के राज, वो क्यों चिल्ला रहे थे पता है आपको? लगता है ये चिल्लाते क्यों है? कभी कभी ऐसा करते हैं, उनको चटके बैठते हैं, यीशु के आगने के चटके बैठते हैं उनको। इसलिए तो झुक कर पैर पड़कर वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत डरते हैं। आपको पता है जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया वो इंसान परमेश्वर से नहीं डरता है। सही बात है? पर भूत प्रेत शैतानी आत्मा दुष्ट आत्मे यीशु मसीह को बहुत डरते हैं, थरथराते उसके नाम से। समझ गए? आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने से बनाया है, अपने रूप से बनाया है। हालेलुया। अपने अंदर से बनाया है उसने, मिट्टी का पुतला करके अपने अंदर से हमें सांस फूकी है, वो भी जीवन की सांस। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन आप सुनते सुनते परमेश्वर आपके जीवन में एक शक्ति और सामर्थ्य भरने जा रहा है। आप खुद को आज के बाद ये वचन सुनने के बाद आप खुद को कभी डरपोक नहीं समझोगे आज के बाद। ये पहला नंबर में बता दो आपको, आप डरने वाले नहीं डराने वाले बनोगे आप। इसको सुनो, इंसानों को नहीं शैतान को डराने वाले बनेंगे आज। जिस बहन को शैतान तकलीफ दे रहा है, आज वही शैतान उसके अंदर आने के लिए डरेगा, क्योंकि वो अग्नि से भर कर आज यहां से आप जाओगे, वो अग्नि से भर कर आप जाओगे, और वो अग्नि के आसपास भी शैतान नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। और वही ताकत जो लोग परमेश्वर की सामर्थ को भूल गए हैं, वही सामर्थ को जगाने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति का प्रकाशन दिया, और हर जगह पे जाके ये आत्मिक जागृति हो रही, आत्मिक जागृति हो रही प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति के द्वारा। और जो लोग डर रहे हैं, जो लोग इन परिस्थिति को डर रहे हैं, वो अभी डरना बंद होकर वो परिस्थिति अभी लोगों से डर रही, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह आ गया। अगर मेरे अंदर यीशु मसीह है तो मैं डर सकता हूं क्या? नहीं। सकता हूं क्या डर? नहीं। एक पल था जब हमारे अंदर यीशु नहीं था, पर आज हम चर्च आते हैं, आज बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी सताव में क्यों है? फिर भी क्यों शैतान हमें बंधन में जकड़ता है? क्योंकि हम
वचन नहीं पढ़ते। हालेलुया, क्योंकि हम वचन लाइट के लिए हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। आज हम परमेश्वर से दूर हो गए। वही परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया तब परमेश्वर दौड़ता हुआ आता था मिलने के लिए। वही परमेश्वर जब मूसा को बोला कि निवास मंडप कर, उसमें मैं आकर रहना चाहता हूं और लोगों को मिलना चाहता हूं। कितने लोगों ने पढ़ाए परमेश्वर का निवास मंडप बोलते ना, निवास मंडप, निवास मंडप में परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए आया। हालेलुया। और आज पता है यीशु के द्वारा आज वो निवास मंडप में नहीं, ये मंडप में आ गया, आज हमारे जीवन में ही आ गया। अब वो करिंथियों की पत्री में क्या लिखा है कि आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। तो कौन सी शक्ति है ऐसी शैतान की इस मंदिर को छुए, क्योंकि हम मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर के मंदिर होने के लिए हम खुद इनकार करते हैं। इसलिए ये मंदिर किसका बनता है फिर? अगर परमेश्वर को ये मंदिर नहीं दोगे तो ये मंदिर कौन लेगा? और फिर शैतान इस मंदिर का क्या करेगा आप सबको पता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, और ये मंदिर औरों को उजाला दीपक देने वाला, औरों को छुड़ाने वाला मंदिर है ये। हालेलुया। मैं भी बंधन में था, नशे पानी में था, मेरा जीवन खराब पाप में था, पर जब यीशु मेरे अंदर आया आज मेरे द्वारा लाखों लोग जी रहे हैं, मेरे द्वारा लाखों लोगों को परमेश्वर आशीषित कर रहा है। वो परमेश्वर आप यहाँ पे जो बहन है, आज किसी को लगता होगा मैं तो ऐसी हूं, परमेश्वर मुझसे कैसे प्यार करता है। हाँ मेरे बेटी, हाँ मेरे बच्चों, परमेश्वर आज भी आपको भरना चाहता है, वो पृथ्वी के छोर तक आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। बस आपको क्या करना है, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देना है, उसको कहना है ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन किसका है? प्रभु तेरा जीवन है। आज के बाद उस परमेश्वर को जानो आप। आपको पता है वो समंदर परमेश्वर के लोगों को डुबा नहीं सका, वो शेर की गुफा जब दानियल को भेजा, वो भूखे शेर परमेश्वर के भक्त को छू नहीं सके, क्योंकि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। हालेलुया। वही शद्रक मेशक अभिनदगो, वही जो शद्रक मेशक थे, वही आग उनको जला नहीं सकी, क्योंकि वो भक्ति करते थे। हालेलुया। भक्ति में शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है इस वक्त हम दूसरा राजा 6:17 पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम, और इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हो? ये जो सुन रहे हो इसी में हमारा जीवन बनेगा अभी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। यस। दूसरा राजा 6:17 पास्टर महाली जी जोर से पढ़ेंगे। यस। दूसरा राजा 6:17 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यह प्रार्थना की, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का एक पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। आप इसको अपने बुक में नोट कर सकते हो,
इसमें एक बात को हम लेना है, फिर से पास्टर महाले पढ़ेंगे, इनके आके खोल देंगे। एक बात को सुना, अभी इधर देखिए, आप लिख कर हुआ होगा, आपका बहुत अच्छा लगता है, आप बुक पेन बाइबल लेके आए हो, गुड, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। अभी इधर देखिए, एक एक पॉइंट है वहां पर देखना है हमें थोड़ी देर के लिए। यस, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की। अभी क्या प्रार्थना किया देखो, हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। इसकी क्या खोल दे, आंखें। फिर से बोले, आप भी बोलिए पास्टर महाली जी के साथ, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। अभी आंखें खोल दे मतलब उसकी आंखें क्या है, बंद है। पर उसकी तो आंखों से वो देख रहा था। ये स्टोरी, ये जो बाइबल का वचन है, ये आप घर जाके 6:8 पढ़ना है, 6:8 घर पे जाके पढ़ना। इसमें क्या है, जो आरामी सेना है, आरामी, इधर देखिए, जो आरामी सेना है वो मारने के लिए आई थी, पकड़ने के लिए, किसको, एलिशा को। बोलिए, आरामी सेना एलिशा को पकड़ने के लिए आई थी। क्यों पकड़ने के लिए आई थी पता है आपको? जो आरामी राजा था वो अपने घर में जो प्लानिंग करता था इजराइलों को मारने के लिए, बराबर पास्टर जी, जो प्लानिंग करता था इजराइल लोगों को मारने के लिए, वो प्लानिंग परमेश्वर एलिशा को, वो जा है वह गांव में बताता था, देख वो प्लानिंग कर रहा है, जाकर उस राजा को बता दे। और वो राजा ने बोला, भाई उधर से जा, ये कैमरा है। और वो राजा ने बताया कि ऐसा कौन हम में है जो चुगली कर रहा है यहाँ का वहां बताता है। तो राजा के सरदार ने बताया, नहीं, वहां पर एक सेवक है परमेश्वर का दास, वो जो भी आप यहाँ पे बोलते हो वो जाके उसको समझ में, परमेश्वर उसको बताता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमें बचाता है। देखो, और फिर आरामी राजा ने क्या किया कि आरामी राजा ने जाके बैठिए, आरामी राजा ने क्या किया कि जाके जो एलिशा है, सरदारों को, सैनिकों को तलवार भाले दिया, रथों घोड़ों के साथ बोला, अकेले उस दास को पकड़ने के लिए पूरे गांव के चारों ओर वो सेना आ गई और इसको पकड़ने के लिए आई। अभी क्या हुआ, जो एलिशा के साथ, एलिशा कौन है, परमेश्वर का दास है, नबी है, और एलिशा के साथ जो सेवक है वो एलिशा जो देख रहा है वो सेवक को नहीं देखा है, दे रहा है। सेवक ने आके क्या बोला कि देखो, सेवक ने आके बोला कि एलिशा जी को बोला कि हाय हाय, देखो हमें पकड़ने के लिए राजा ने सरदारों को भेज दिया है। तो एलिशा खड़ा है, एलिशा बोलता है, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है, जो उनके पास है उनसे ज्यादा अपने पास के है। तो वो ऐसा क्या देख रहा था, उसे क्या देख रहा था पता है, परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भेजा था, अग्नि के रथों के साथ, घोड़ों के साथ, तलवार अग्नि के साथ, और उनसे भी ज्यादा सेना खड़ी थी एलिशा को बचाने के लिए। लेकिन ये एलिशा के आंखों को देख रहा है, पर एलिशा के साथ जो सेवक है उसको नहीं देख रहा है। इसलिए एलिशा क्या बोल रहा है देखिए, तब एलिशा ने देखो, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, और देखो कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और तब वह देख सका। तब क्या देखा, देखो क्या देखा, कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। कैसे भरा है, परमेश्वर ने किसको भेजा है रक्षा करने के लिए,
देखा हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है? जैसे अलीशा का सेवक अंधा हुआ था, आज ये अंधापन इस आंखों का है कि आत्मिक अंधापन है? आत्मिक। आज वैसे ही परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, आत्मिक अंधे हो गए हैं। और ये कहां लिखा है? आप दूसरा करीन 4:4 निकालिए, दूसरा करंतियो 4:4 निकालिए, उसमें लिखा है क्या? देखिए, यस पढ़िए। और अविश्वासियों के लिए, हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। हाँ, क्या कर दी बुद्धि? अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने क्या किया? बुद्धि अंधी कर दी है। हाँ, इस सही मसीह को परमेश्वर का प्रतिरूप है। यस, इधर देखिए, अभी भी ये नए नियम में क्या लिखा है? बुद्धि को अंधा कर दिया है। इसलिए परमेश्वर की उस ताकत को, सामर्थ को, वचनों को जो यीशु मसीह ने बताया, वो सुनकर भी सुनते नहीं है, देखकर भी देखते नहीं, क्योंकि उनका मन क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? उनकी आत्मिक आंखें क्या है? और यही आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रभु भक्ति अद्भुत शक्ति के द्वारा बैठे परमेश्वर ने भेजा है मुझे। यही काम परमेश्वर ने भेजा है कि लोगों के आत्मिक आंखों को खोल दी जाके, और वो परमेश्वर की शक्ति, जो परमेश्वर की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो हमें पता चले। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कल, आज और युगान युग ये जैसा हूं। तो परमेश्वर बदला है क्या? नहीं। तो बदला कौन? इंसान। क्योंकि इतने चमत्कार होकर, इतना सब कुछ परमेश्वर कर कर भी, फिर भी परमेश्वर से हम क्या करते हैं? अविश्वास दिखाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य भेजी है, आपके अंदर वो अद्भुत शक्ति भेजी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आज कौन सा ऐसी दुष्ट शक्ति, शैतान शक्ति है जो आपको डरा सकती है? नहीं मेरे भाई और मेरे बहनों, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आज ये आत्मिक अंधापन क्यों आया है पता है आपको? आज लोग संसार के मित्र बन रहे ज्यादा, संसार में जो प्रभु ने कहा है जो मत कर, वो ज्यादा कर रहे वहां पे जाके। सही बात बोल रहे हो कि गलत? संसार में जो गलत गलत चल रहा है, जो भी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो उससे ज्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, इसलिए उनकी आत्मिक आंखें क्या हुई है? अंधी हो गई है। और इसलिए शैतान उनके ऊपर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। मैं आज बताता हूं, आज के बाद आप वचनों से प्यार कीजिए, जैसे हमने गीत गाया, वेड लागल नको मोबाइल से वेड देवा मला, बोला नको मोबाइल से वेड, नको संसाराचं वेड, मला फक्त तुझच वेड लागू दे देवा। हालेलुया। येशू म्हणतो की सर्व तुला सोडतील पण मी तुला कधी सोडणार नाही। येशू सारखा कोणी मित्र नाही, येशू सारखा कोणी पिता नाही, आणि येशू सारखी कोणी आई नाही। देवाचं वचन सांगतं, आई देखील तुला विसरेल, मी तुला कधी विसरणार नाही। हालेलुया। पण आम्ही काय करतो या संसाराच्या गडबडी जीवनामध्ये, इस संसार की भागदौड में हम प्रभु से प्यार करना छोड़ दिया है। क्या आपको जानते हैं आप कि कभी 10 मिनट उसकी उपस्थिति में हम बैठे हैं, खोए हैं, वो तरसता तरसता है। जैसे यहाँ पर माँ लोग बैठे हैं, बेटा अगर थोड़े दिन देर भी उनकी गोद में नहीं आया, देखो यहाँ पर माँ बैठी है, उनके बेटे उनके गोद में ही बैठा है, छोटे छोटे बच्चे गोद में बैठे हैं। अगर वो गोद में नहीं आई तो माँ तरसती है, बराबर है?
मेरी आवाज आ रही है? लाइट चली गई है? कोई नहीं, लाइट हो या ना हो प्रभु की आराधना होगी। हालेलुया। जैसे माँ अगर बच्चा माँ के पास थोड़ी देर से देर नहीं आता है तो माँ तरसती है गोद में लेने के लिए, वैसे आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए तरसता है। पर मुझे वक्त कहा है, सोना ले उठकर फिर मेरे काम करना, परमेश्वर राह देखता है कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मेरे से बात करेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? आज के बाद क्या निर्णय लिया आपने, क्या क्या करेंगे आप? परमेश्वर का आज्ञा का पालन। परमेश्वर किससे खुश होता है ज्यादा? जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। जब उसका शब्द सुनते हैं, जब पास्टर जी यहां से बताते हैं, वो आपको सुनना है पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोलते हैं, वैसे हमारा जीवन क्रम होना चाहिए, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा उठना, उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तब वो आत्मिक आप खुलेगी मेरे भाई और मेरे बहनों, और तब वो बातें देखोगे जो दुनिया नहीं देखती, वो आपको दिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी सैतानी गढ़ आपके ऊपर विजय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको विजय देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति में शक्ति है। ऐसे कितने वचन हैं कि जिसमें परमेश्वर की आराधना किया, नए नियम में एक आराधना के बारे में देखेंगे, पौल और सिलास कहां पे थे? वो जेल में, उन्होंने प्रार्थना और आराधना किया। क्या हुआ वहां पे बताइए, क्या हुआ? कितने चमत्कार वहां पे हो गए बताइए आप बताइए, जब उन्होंने आराधना किया कितने चमत्कार वहां पर हुए? हाँ, एक एक बताइए। हाँ, क्या क्या आया? पहला भूमिकंप, भूकंप आ गया है कि नहीं? दूसरा क्या हो गया? बंदी शाहीचे पाए डगमगले, आराधना प्रार्थना करत असताना पहिला काय झालं? पहिला भूमिकंप भूकंप आ गया, दुसरा दीवारे टूट गए, तीसरा सारे दरवाजे खुल गए, और चौथा सबके बंधन साकल दंड तुटले। प्रियानो, ज्यावेळी तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसता, ज्यावेळी देवाची आराधना करता, देवाची आराधना करणं म्हणजे देवाची आज्ञा पालन करणं। समजलं तुम्हाला? नाहीतर कसंही वागून तुम्ही गाणी म्हणत बसाल आणि म्हणाल आम्ही आराधना करायला लागलोय, देवाला तुमचं जीवनामध्ये इंटरेस्ट आहे। पहिलं जीवन आराधना म्हणजे काय? आराधना म्हणजे गीत संगीत, हा एक आराधनेचा भाग आहे। आराधना मतलब गीत और संगीत, ये एक भाग है। पर आराधना सच्ची क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर की वचन के ऊपर चलना। हालेलुया। आज कितने लोग कहेंगे हाँ आज के बाद मैं वचनों पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं को मैं मानूंगा, कितने लोग ऐसे कहेंगे आज? तब आपकी सच्ची आराधना पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तब आपकी आराधना से परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। अपनी जगहों पर हम खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत बातें कर रहे हैं वचनों के द्वारा, बहुत वचनों के द्वारा अद्भुत बातें कर रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा कीजिए, अपने हाथों को ऊंचा कीजिए। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं तेरे वचनों से दूर था, मैं तेरी उपस्थिति से दूर था। बोलिए, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आज के बाद उपस्थिति में रहने के लिए, पालन करने के लिए मुझे सहायता कर, मुझे भर। मैं तेरा सच्चा भक्त बनना चाहता हूँ।
गाएंगे और कहेंगे, मेरा ये जीवन तेरी अमानत, मेरा ये जीवन तेरी अमानत, सब कुछ है तूने दिया, सब कुछ है तूने दिया। प्रभु भक्ति आपको शक्ति के द्वारा भाई बहनों से बच्चों से बात किया, प्रभु जो आपने वचन दिया है आज के बाद उस वचनों के द्वारा चढ़ने के लिए इस मंडली को सहायता कीजिए प्रभु जी। आप आने तक प्रभु विश्वास में रखिए उनको प्रभु जी, यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु आपने किया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, आप जोरदार ताली बजाइए। आप देख रहे हो यूट्यूब के, हम हाथ ऊपर करके दिखाएंगे, जो यूट्यूब के सब देख रहे हैं, सच आप देख रहे हो कि इन भाइयों और बहनों को सच में इन्होंने आज सीखा है कि प्रभु भक्ति में अद्भुत शक्ति है। हालेलुया, आप सभी फेसबुक भाई और बहनों, आप यूट्यूब के मेरे भाई और मेरे बहनों, जो आप हमारे लिए दुआ कर रहे हर रोज, ये दुआ के कारण परमेश्वर सबकी आंखें, जो आत्मिक आंखों को खोल रहा है। धन्यवाद आपकी दुआ के लिए। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम जोरदार ताली बजा प्रभु आपको आशीषित करें। और मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, पर प्रभु को धन्यवाद कि कितने